नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें दोस्तों आपको डेली आंगनवाड़ी से संबंधित व शिक्षा विभाग की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ झारखंड की आंगनवाड़ी से संबंधित हैं, जिन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों के लिए ये धरना प्रदर्शन किया है। इससे संबंधित के लिए लेटेस्ट अपडेट आई है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, झारखंड जमशेदपुर से एक लेटेस्ट न्यूज है। 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश की ओर से बुधवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में एग्रीको मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। भारी संख्या में आंगनवाड़ी सेविकाएं भारतीय मजदूर संघ के नेता कृष्णा सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कैप कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ी तो एग्रीको चौक पर पुलिस बल ने रोक दिया। एक प्रतिनिधित्व मंडल को कैप कार्यालय में जाने की इजाज़त दी, जिसने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में आंगनवाड़ी सेविकाओं को पुडुचेरी और तमिलनाडु की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी घोषित करने, मानदेय की राशि 7,500 रुपये तक करने, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने तथा गुजरात और बंगाल की तरह साल में एक बार एक माह का वेतन के बराबर बोनस देने, रेडी टू ईट पोस्टर के बजाय पहले की तरह चावल दाल देने सहित अन्य मांगें सम्मिलित हैं। इस मौके पर दोस्तों प्रमुख आंगनवाड़ी कर्मियाँ मौजूद थी, जिसमें बिंदु रानी सिंह, छाया रानी, सोनू रामचंद्र गोप, हरेलाल साहू, सविता त्रिपाठी आदि अन्य आंगनवाड़ी कर्मियाँ मौजूद थी। दोस्तों, इस लेटेस्ट न्यूज़ में जमशेदपुर झारखंड से संबंधित हैं, जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न धरना प्रदर्शन रखा है, जिसमें मानदेय संबंधित मांग और सरकारी कर्मचारी बनाने संबंधित मांग और अन्य राज्यों की तरह उनको मानदेय व एक माह का वेतन के बराबर बोनस अंक देने वाली मुख्य मांगों के रूप में इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगें रखी हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साइड में घंटी के बटन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा भेजी गई कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं डेली आंगनवाड़ी की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।